Рано, рано. Слез тут. आप जलंधर आए थे आज, आप पहले आप खलीजी एकेडमी में जाना था, तो भाग्यवश नहीं जा पाए, पहले उसके बारे में बताइए। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि मैं बड़े बहुत उमंग से, बहुत उम्मीद से पंजाब आई खली भाई के अखाड़े में। सेल्फ डिफेंस के लिए मैं रेसलिंग सीखना चाहती थी, खुद सीखकर मैं महिलाओं को सिखाना चाहती थी एक सेल्फ डिफेंस के लिए। तो मैंने भाई को फ़ोन किया कि भाई मुझे रेसलिंग सीखनी है, खली जी आपका तो अखाड़ा है तो मुझे सिखाइए। तो खली जी ने कहा बिल्कुल, हमारा यहाँ पे जलंधर में अखाड़ा है, आप आइए, हम आपको सिखाएंगे सेल्फ डिफेंस कैसे करते, कुश्ती कैसे करते हैं। क्योंकि जब से मैंने आमिर खान की फिल्म देखी तो मुझे पता नहीं था कि लड़कियाँ भी कुश्ती लड़ सकती है या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए वो भी अच्छों को पछाड़ सकती है। तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि मैं यहाँ पे आके एक सेल्फ डिफेंस के लिए, एक हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए जिन पे अत्याचार बार बार हो रहा है, कि उनको एक सेल्फ डिफेंस कैसे सिखाया जाए। जूडो कराटे से वो तो सीखी हुई हूँ मैं, बट मैं खली जी जो हमारे पंजाब की शान, देश की शान है, जान है, तो जो हॉलीवुड में जाके इतना WWF ये इसमें रेसलिंग करके आते हैं, तो जब हमारे पास इतना हीरा है तो मैं क्यों ना उनसे सीखूं। तो ये मैंने सोच के कि मैं यहाँ पे आई और बहुत उम्मीद थी, बहुत खुश थी मैं, बहुत खुश थी कि मैं आज अखाड़े में जाऊँगी और मैं दाव पेचे सीखूँगी कि एक सेल्फ डिफेंस के लिए कैसे कुश्ती लड़ते हैं, कैसे कि अगर एक महिला कहीं जा रही है, उस पर चार लोगों ने हमला किया, दो लोगों ने हमला किया, तो वो अपना बचाव कैसे कर सकती है। तो ये आज मैं बहुत उम्मीद से आई थी, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं अखाड़े में जा नहीं पाई। ये कहते हुए जी, तो दोबारा कल देखिए मेरा केस नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया गया था। कि आप ये भी सुनने में आता जज साहब ने आपको कहा था कि आप 7th जो डेट है उसमें आप प्रेजेंट रहेंगे, तो आप नहीं थे। देखिए मैं 7th को प्रेजेंट होने वाली थी, लेकिन अभी भी मैं बता रही हूँ कि मैं मुंबई में मेरा पैर का एक्सीडेंट हो गया था। मेरी फ्लाइट पकड़ने की थी, मेरा पैर, बारिश है बहुत, सीढ़ी से फटाफट उतर उठते मेरा पैर में चोट आ गई, मैं 7 तारीख को प्रेजेंट नहीं हो पाई। उसका मेडिकल मेरा भी मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है। हाँ, हमारे लॉयर ने वहाँ पे मेडिकल जो सर्टिफिकेट था सबमिट किया था, लेकिन मैंने कंडीशनली इनको जमानत दी गई थी कि अगर प्राकिकल वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती है तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। लेकिन ऑलरेडी उनके पैर में इतनी चोट लगी है, वो आ ही नहीं सकती, तो कैसे वहाँ पे जब आपके प्रोड्यूस हो सकती है। मुझे नहीं पता, मैं कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करती हूँ। नहीं नहीं, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करती हूँ। मुझे तो दुख हो रहा है कि मैं पंजाब के लोगों पे इतना विश्वास करती हूँ, मेरा रिलेशन है पंजाब के लोग जो है इतने बड़े दिलवाले हैं, तो मैं हम लोगों ने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी है, तो एक लड़की को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते थे, देना चाहिए था। मुझे पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं मिला और मैंने सुना कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे। okay. उनको क्या, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए, वो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। जी सर, जी सर, देखो कि भी मतलब क्या है, लेकिन जब वो आज मेरे को पता लगा कि भी मतलब SSR राखी सावंत जी आ रहे हैं आपके वहाँ पर, मैंने कहा हाँ आ रहे हैं, क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले उनको फोन किया था, जो थाना के ये होते क्या बोलते इसको इंचार्ज होता है SSR, मतलब यहाँ पर राखी जी आ रहे हैं और मतलब कोई अगर फॉर्मेलिटी है तो मतलब बताइए। तो
तुमने कोई उसका इनके हाँ बताते हैं आपको, तो एट अ टाइम पे किसी को बताना मतलब कि नहीं जी आपको नहीं बता उनको बुलाओ, उसका मेरे को भी दुख हो रहा है कि यार मुझे क्यों ना बुलाओ, मैं भाई कोई मैं आतंकवादी हूँ, मैं कौन हूँ जरा मुझे कोई बताएगा मैं कौन हूँ क्या हूँ, क्या मैं अपने देश में रहती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब मेरे को मतलब पुलिस के बनाए के भी आप उनको मत बुलाओ, और समाज के लोग बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो पुलिस जी का पुलिस पंजाब यहाँ पे लुधियाना पुलिस का बहुत प्रेशर था कि राखी जी को वहाँ पे ना बुलाए सकता है, तो एक पुलिस पंजाब की पुलिस तो एकदम शेर है कि एक लड़की को सुरक्षा नहीं दे सकती, एक लड़की को अखाड़े में एक सेल्फ डिफेंस के लिए वो वहाँ पे रेसलिंग सीखना चाहती है क्या उसे प्रोटेक्शन नहीं दे सकती क्यों? मैं तो सिर्फ मुझे पंजाब के लोगों पे भरोसा है, पंजाब की पुलिस पर भरोसा है, आज मैं खाली हाथ जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है अभी भी भरोसा है उन्होंने भले मेरे साथ ऐसा किया मुझे अभी भी भरोसा है भाई कि मैं वापस दोबारा यहाँ पे आना चाहती हूँ, मैं खाली जी के अखाड़े में रेसलिंग कुश्ती लड़ना चाहती हूँ सीखना चाहती हूँ, तो कि ये सीखना कोई गुनाह है? जिस स्टेटमेंट से आपके लोग खफा हुए हैं, वाल्मीकि समुदाय में रोष है उसके प्रति आप क्या? तो उसके लिए कोर्ट है ना भाई, आप अपनी गिल्टी फील करते हैं अगर आप नहीं? मैं आपके सारे चैनलों के माध्यम से मैंने पहले भी माफी मांग चुकी हूँ कि नादानी में अगर मैंने वाल्मीकि समाज के लोगों से नादानी में अगर मुझसे कोई गलती हुई है, अगर स्लिप ऑफ टंग से अगर मेरे जबान से कुछ निकल गया है, तो मैं आज भी वाल्मीकि समाज से मैं माफी चाहती हूँ। मेरे स्टेटस 12 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, मेहनत करके आगे बढ़ी हूँ, स्टारडम पाया है, तो इसका कुछ लोग पब्लिसिटी पाने के लिए स्टंट कर रहे हैं, तो मैं सभी वाल्मीकि समाज से माफी चाहती हूँ कि अगर अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो अपनी छोटी बहन बेटी समझ के मुझे माफ कर दीजिए, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, और बाकी तो कोर्ट तो है ना। देखिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जैसे कोर्ट में डेटे पड़ती है वैसे हमको शूटिंग की भी डेटे पड़ती है, शूटिंग का एक एक सेट लगता है लाखों करोड़ों का, अगर मैं कोर्ट की डेट में चली जाती हूँ है तो वहाँ पे जो सेट के पैसे लगते हैं वो लोग भी मेरे पे केस कर देंगे, वो कहेंगे कि राखी सावंत आज शूटिंग पे पहुंची नहीं, हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया, केस ठोको, तो मैं 10-15 फ्लैट भी बेचूंगी तो उनके पैसे भर नहीं पाऊंगी, है ना? तो ऐसा होता है कि मैं तो हमेशा कोर्ट में जाना चाहती हूँ, मैं कोर्ट में जाना चाहती हूँ, मैं लुधियाना के कोर्ट के जजों को मैं कह रही हूँ कि मैं कोर्ट में आना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सुरक्षा नहीं है वहाँ पे सुरक्षा नहीं है, लोग कोर्ट की आड़ में अभी 7 तारीख को भी कितने लोग वहाँ पे मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा के वहाँ पे थे, खड़े थे मेरे खिलाफ, मैंने जज साहब को कहा, मैं 6 तारीख को पहुंची थी कोर्ट, मैंने कहा जज साहब मैं यहाँ पे सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे आप यहाँ ना बुलाएं, मैं यहाँ पे छुप छुप के आई हूँ, और ऐसा कहाँ लिखा है कि आप 1-2 दिन पहले बेल नहीं ले सकते, कोई ऐसा लॉ है बताइए? बट आप तो पहले बेल तो ले ही सकते हैं ना, तो फिर मैंने पहले बेल ली है ना मैम, अब एक्सीडेंट मेरे साथ हो जाता मैं क्या करूँ बताइए, मैं पैर फिसल गया, मैं जानबूझ के गिर गई, बताइए जो कल आपके पैर पे चोट लगी थी वो आज इतनी ठीक हो गई कि आप खाली जी के एकेडमी में पहुंच गए? नहीं, चोट वही की वही है, मेरे पास एक्सरे भी है सब है, लेकिन मैंने 1 हफ्ते पहले वीडियो जारी किया था, मैंने जबान दी थी, खली जी इतने बड़ी हस्ती है, आज वो भगवान है, खली जी रेसलिंग के भगवान है, बच्चों के लिए सबके लिए भगवान है, मैं अपना जबान देकर मैं मुकरना नहीं चाहती, चाहे मेरी टांग टूटती चाहे मेरा हाथ टूटता, लेकिन मैं जरूर आना चाहती थी भाई। मैम आपकी नजर में खली जी बड़े हैं या कोर्ट बड़ी है? मेरे लिए दोनों ही बड़े, सब बड़े, कोई छोटा नहीं, मेरे लिए सब बड़े। लुधियाना में आप किनसे इनसिक्योर फील कर रहे थे? जो मेरे अगेंस्ट है, जिन्होंने मुझ पर केस किया है, वाल्मीकि कम्युनिटी, मैं किसी के खिलाफ अभी कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, मुझे लुधियाना कोर्ट पर भरोसा है कि वो जरूर किसी एक पक्ष में नहीं मेरे पक्ष में भी न्याय करेंगे। मैम अभी आपने कहा कुछ लोग पब्लिक जो है स्टंट कर रहे हैं पब्लिसिटी डालने के लिए, उसके लिए आपका इशारा किन की तरफ है, कौन लोग हैं जी? वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, धन्यवाद। बस मैं मुझे पंजाब पर विश्वास है, पंजाब की पुलिस पर, पंजाब की जनता पर, इनका दिल बड़ा है, मुझे दोबारा मुझे आना है लुधियाना और मुझे रेसलिंग सीखना है। शेरनी अकेली आती है, झुंड में कौन आता है आप देख लीजिए, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मुझे आऊंगी, खली भाई की इजाजत होगी, पंजाब
कि जो जनता है उनकी इजाजत होगी, पुलिस की इजाजत हो, मैं जरूर आना चाहूंगी भाई, मैं रेसलिंग सीखना चाहती हूँ। अगर लुधियाना कोर्ट से आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो क्या हाईकोर्ट जाएंगे? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई तो करेंगे ना डेफिनेटली। अगर लुधियाना कोर्ट अगर मुझे जस्टिस नहीं देता है तो मैं डेफिनेटली आगे बढ़ूंगी और कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिर मुझे दूसरे कोर्टों में जाना, मैं जाऊंगी डेफिनेटली। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट तो दूसरे अपर लोअर कोर्ट तो है ही है ना, मैं वहां जरूर जाऊंगी। सीखने की कोई खास वजह? सेल्फ डिफेंस के लिए। मैंने हमेशा खली जी का बहुत नाम सुना है, एक सेल्फ डिफेंस के लिए। मैंने लोगों ने मेरा डांस देखा है, मेरा ब्रेवपन देखा है, लोगों ने मुझे रेसलिंग करते हुए नहीं देखा। या जितनी मैं बोल्ड हूँ तो उतना मैं पावर रखती हूँ कि मैं भी सीख सकती हूँ कि खली भाई मुझे सिखाएं। उनके पास कितने स्टूडेंट हैं, कितनी लड़कियां हैं, सबको सिखाते हैं, तो मैं क्यों ना सीखूं। इनका अखाड़ा मुंबई में नहीं है, अगर होता वहां पे तो मुझे यहाँ के आने की जरूरत नहीं पड़ती। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हिंदुस्तान के हर कोने कोने में खली भाई का, द ग्रेट खली का अखाड़ा हो। तो क्या आप भी चाहती हैं कि आने वाले समय आपको द ग्रेट राखी के नाम से पुकारा जाए? ये तो भाई का आशीर्वाद है, अगर मैं सीख गई तो भाई का बस आशीर्वाद है, मुझे मिल जाए बस। कविता भाई, भाई सर पे हाथ रख दो भाई। जैसे कविता को मिला, अभी कविता को मिला, मुझे नहीं, मुझे नहीं पता। बट भाई इनको अभी ना कविता के भाई, मुझे नहीं पता भाई, कविता डोली भाई, मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे तो थोड़ा नहीं लड़ सकी, मेरा बहुत नाराज हूँ, लेकिन भाई मुझे थोड़ा पंजा लड़ना सिखाइए ना प्लीज, थोड़ा सिखाइए, अभी मैं बहुत नाराज हूँ। और अभी मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, रात को 2:30 बजे मेरी फ्लाइट है। हाँ, मैं 2:30 बजे मेरी फ्लाइट है और अभी मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, बहुत नाराज होकर खाली हाथ जा रही हूँ पंजाब से, बहुत दुखी हूँ बस। धन्यवाद। मेरा फोन ले लो। अमन साइड प्लीज, साइड दे दो जी, उसी साइड दे दो। चलो भाई, चलो भाई। मासूम जी चलो, चलो भाई जाने तो दो। तो कोई बात नहीं, गणेश मेरे भगवान है, मेरे इष्ट देवता है। अभी कंट्रोवर्सी इसी चीज को लेकर चल रही है। चल 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 चल, पीछे बैग 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 बैग, और लाइट का लेकर आती है। मनीष, मनीष जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार। हाँ जी, अमन अरे रुक जा यार, लाइट दे भाई यार। चलो चलो चलो, एक मिनट उनको आने दो।